अस्सलामु अलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रजनी क्वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 43, एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियस, प्रॉब्लम 42। वो कहता है तीन क्यू वैल्यूज रिपोर्ट की जा रही हैं रिएक्शन में, जिनके एटॉमिक मैसेज दे दिए गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो क्यू वैल्यू हैं इनके, यानी आपने रिपोर्ट जो किया गया रिएक्शन में, इसको चेक करना कि आया ये इतनी ही है। सबसे पहले क्या है जी, दो आपको प्रोटॉन देख रहे हैं, एक ड्यूटेरियम बन रहा है, एक पॉजिटिव, एक आपका बीटा पार्टिकल है। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मैसेज का डिफरेंस लेंगे, अब अल्फा जो इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन है वो भी डाल लेंगे, तो ये आपके पास ये टूल आ जाएगा। इस सारे में सारे मैसेज गिवन है, उसको हम साथ ही एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि हमें वाकई इतना दिया हुआ है 0.42। अगले में आपके पास इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनिहिलेशन हो रही है, तो उसके लिहाज से हम इसे Q2 में ले जाएंगे। तो आपके पास इस सारे को सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट मैसेज और रिएक्टेंट का डिफरेंस उठाएंगे, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा जनाब, 5.49। तो ये आपके पास 5.49 दिया हुआ है आपके पास इस रिएक्शन में। थर्ड वन में देखें तो आपके पास दो हीलियम के आइसोटोप्स हैं, एक हीलियम है और साथ में दो प्रोटॉन है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स का अगर हम फर्क देखें, तो अब इन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के फर्क के लिहाज से हम इसमें मैसेज डाल देंगे, इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आपके पास जो बनेगा 12.86 आ जाएगा। तो यही हमें इस रिएक्शन में दिया हुआ कि 12.86 है, जो कि हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। ओके, अल्लाह हाफिज़।